हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमी। आई एम फ्रॉम बीएससी होम साइंस डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर। मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप घर पर ही नेचुरली कैसे हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और इसके सभी इंग्रेडिएंट आपको इजीली मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए चाहिए 100 ग्राम नीम, जो मैंने अच्छी तरह तोड़ लिए हैं पत्ते। उसके बाद तुलसा 50 ग्राम, उसके भी पत्ते तोड़ लिए हैं। फिर हमें चाहिए 20 से 30 ग्राम फिटकरी, जिसको मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ लिया है। उसके बाद हमें चाहिए कपूर, ये मैंने अच्छी तरह पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, इसको पीस लिया है, आराम से टूट जाएगा हाथ से ही। फिर हमें एक नींबू चाहिए, जिसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा जेल, अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप फ्रेश एलोवेरा लीजिए, वो और भी अच्छा है। उसके बाद हमें एक बड़ा सा पतीला चाहिए या कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें गहराई हो। उसमें 1 लीटर पानी लीजिए, पानी डालने के बाद गैस को फुल कर दीजिएगा और इसमें आपको अब ऐड करने हैं नीम के पत्ते। तुलसा के पत्ते और अब इन्हें मिक्स कर दीजिए। अब आप इसमें डालेंगे, गैस को फुल ही रखिएगा। अब आप इसमें डाल दीजिए फिटकरी, उसे भी मिक्स कर दीजिए। अब इसमें कपूर जो आपने पीसा था पाउडर फॉर्म में, उसे डाल दीजिए और उसे भी अच्छी तरह से मिला दीजिए। अब इसे बॉईल करने के लिए रख दीजिए, अच्छी तरह बॉईल का वेट कीजिए। अब देखिए बॉईल आ चुका है 10 मिनट बाद, तो ये हमारा रेडी हो चुका है। गैस बंद कर दीजिए और इसे छान लीजिए एक दूसरे बर्तन में। अब ये बहुत गर्म है, छानने के बाद इसे हमें ठंडा करने के लिए भी रखना है। फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रखें। लगभग आधे घंटे बाद अब ये ठंडा हो चुका है। अब हमें इसमें नींबू और एलोवेरा जेल 1 टेबलस्पून मिलाना है, अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है। स्टिर करते रहिए, जब वो अच्छी तरह मिल जाए तो आपका सैनिटाइजर देखिए रेडी हो चुका है। बस अब आप इसे शीशियों में फिल कर लीजिए। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो अच्छी बात है, मेरे पास नहीं है तो मैं कांच की शीशी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप घर में ऑयल की जो शीशी होती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी सैनिटाइजर डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें फिल कर लिया, देखिए मैंने फिल कर लिया है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब आप इसे अपने हाथों पर डालिए, हाथों को अच्छी तरह से रब कीजिए ऊपर नीचे की तरफ से। बस लगाने के 2-4 सेकंड में ही ये आपके हाथों में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो। हेलो एवरीवन, आई एम गीता फ्रॉम बीएससी सीएनडी सेकंड ईयर। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द रेमेडी ऑफ होममेड सैनिटाइजर। लेट्स सी, सो टू मेड सैनिटाइजर एट होम वी नीड सम इंग्रेडिएंट्स लाइक and add aloe vera gel, it has antibacterial and antifungal properties.
our skin. Now, 60 ml of rubbing alcohol, doctor's spirit. And mix it well. Mix the neem leaf water in it. And mix it once again. After mixing, fill it in an empty bottle. Now our homemade sanitizer is ready to use. Hey guys, welcome to my videos. My name is Deepika. I am from BSc second year CND. Today we will make a homemade sanitizer. अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हम घर पर होममेड सैनिटाइजर कैसे प्रिपेयर करें और उनके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो फर्स्ट हम लेंगे नीम 150 ग्राम, सेकंड हम लेंगे एलोवेरा, एलोवेरा का पल्प मैंने ग्राइंड करके रख दिया अलग, देन हम लेंगे तुलसी, थोड़ी सी टर्मेरिक पाउडर, हल्दी, उसके बाद हम लेंगे फिटकरी 2 कपूर, देन फ्रेगनेंस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुलाब जल और नारियल तेल। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करना है तो हमारा इन सब इंग्रेडिएंट से हमारा सैनिटाइजर प्रिपेयर होगा। फर्स्ट हमने इसमें थोड़े से वाटर बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे नीम के लीव्स। इसको 10 मिनट तक बॉईल होने देंगे। अभी मैंने इसमें नीम की लीव्स इसलिए ऐड करी है, इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे जम्स को किल करने में हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर हमारे वाटर जो है उसमें कलर आ चुका है, बॉईल भी हो चुका है अच्छी तरीके से। अब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी तुलसी, इसको भी थोड़ी देर बॉईल होने के लिए छोड़ेंगे। गाइस, मैंने इसमें तुलसी इसलिए ऐड करी है क्योंकि उसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं, ओके, जिससे कि हमारे जम्स भी इजीली किल्स हो जाते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। देन इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े टर्मेरिक पाउडर, टर्मेरिक पाउडर हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर भी हमारे एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं जिसके वजह से ये जम्स को किल करने में हेल्प करती है। देन हम ऐड करेंगे थोड़ी सी फिटकरी, फिटकरी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं इसके अंदर हमारे इसलिए ऐड कर रहे हैं हम इसलिए क्योंकि ये हमारे बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से रोकते हैं, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से रोके। देन हम ऐड करते हैं नेक्स्ट कपूर, 2 पीसेस कपूर को ऐड करा। अब इसे और थोड़ा बॉइल होने देंगे, उसके बाद ये जब बॉयल हो जाए अच्छी तरीके से फिर उसके बाद हमारे एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे। अभी हमारा प्रिपेयर हो चुका है, इसे हम छान के निकाल देंगे। अब हमारा छन चुका है, देन इसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल। उसके बाद अब ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें कोकोनट ऑयल यूज करेंगे। आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप एसेंशियल्स कोई ऑयल यूज कर सकते हो। कोकोनट ऑयल इसलिए यूज कर रही हूँ मैं क्योंकि जो हमने एलोवेरा यूज करा था उससे थोड़ा हाथ सॉफ्ट रहेंगे और इससे थोड़ी और अच्छे से हमारे हैंड में सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो हम इसमें आप 1 टेबल स्पून हमने कोकोनट ऑयल मिक्स करा, देन उसके बाद
गुलाब जल यूज कर रही हूँ मैं, गुलाब जल फ्रेग्रेंस के लिए यूज करी ये भी, और हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं गुलाब जल, तो हमने इसे यूज थोड़ा सा वन टेबलस्पून हमने गुलाब जल मिक्स कर दिया है। देन उसके बाद हम बोतल में फिल करेंगे इसको। मैं पंप वाली बोतल यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास पंप वाली बोतल ना हो तो आप कोई भी शीशी में इसमें फिल करके उसे यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पंप वाली में यूज करें या फिर स्प्रे वाली में यूज करें, कोई भी बोतल में आप रख के सैनिटाइजर को यूज कर सकते हैं। देन अब हम इसे फिल करेंगे। इसे हमने अब फिल कर दिया है, उसके बाद हम थोड़ा शेक करेंगे इसे।